जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की, कि पद विन्यास में हम गोल्डन रूल्स को कैसे लगाते हैं और उससे पहले पद विन्यास की पहचान कैसे की जाती है। क्योंकि अगर हमें सही जगह का पता होगा, सही जगह पर सही रूल लगेगा, तभी उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। पिछले वीडियो में हमने इंद्र की बात की थी, आज हम बात करेंगे इंद्र जय की। ये दोनों साथ साथ होते हैं, पहले इंद्र आया फिर इंद्र जय आया। इसकी मैं लोकेशन आपको बता देता हूं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गौवारी और सुग्रीव से राइट इंद्र जय है और ऊपर मित्र देव जो हैं उनके नीचे है। और जो इसकी डायगोनल लकीर है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, उससे ये लेफ्ट में पड़ता है। जो हमारा इंद्र था वो राइट में पड़ता था, इंद्र जय लेफ्ट में पड़ता है। ये बीच की लकीर ही इन दोनों में एक सूक्ष्म लकीर है। हमें इसको देखना है, इसको समझना है। इंद्र की जो खूबियां हैं, इंद्र के स्थान की जो पद विन्यास की खूबियां हैं, उस प्रतिभा को, इंद्र जय को प्रयोग में लाना होता है, उस प्रतिभा को प्रयोग में प्रकट करना होता है कि कैसे हम उस जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको हम यूज, हाउ टू यूज, उसको यूज कैसे करेंगे। ये है इंद्र जय का काम कि हम उस प्रतिभा को यूज कैसे करेंगे। दोनों में एक बहुत पतली लकीर है। इंद्र जय जो है शस्त्र रखने का स्थान है। शस्त्र से मेरा मतलब यहां एक वकील की कलम भी हो सकती है, एक पत्रकार की कलम भी हो सकती है, एक सीए की भी कलम हो सकती है। तो ये उसका हथियार माना जाएगा। उसको वो यूज कैसे करता है उसके बारे में इंद्र जय से अच्छा कोई और पद नहीं है। जैसे एक वास्तुकार के पास कंपास होती है, कंपास होना एक अलग बात है, कंपास को यूज करना, हाउ टू यूज, उसमें से हम सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, बाकी पद कैसे निकालेंगे, ये कंपास से हमें निकालने आते हैं, वो इंद्र जय का काम है। कंपास तो सबके पास हो सकती है, एक छोटे बच्चे के पास भी हो सकती है, एक अनजान व्यक्ति के पास भी हो सकती है, जो ना ज्योतिष जानता है ना वास्तु के बारे में जानता है उसके पास भी हो सकती है। लेकिन प्रयोग कौन करेगा उसका, एक वास्तुकार। अगर ठीक से प्रयोग करता है तो इंद्र जय वाला स्थान जो हमारा काफी साफ सुथरा है, वो अच्छा माना जाएगा, इसी वजह से वो काम अच्छा कर पाएगा, अगर वास्तुकार की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि इंद्रदेव, इंद्र जो हमारे महेंद्र इंद्र जिनको बोलते हैं, उन्होंने वृतासुर को मारा किससे, वज्र से। उनका हथियार क्या था, वज्र था, उससे उन्होंने वृतासुर को मारा उससे। तो उससे उनको क्या हुआ, लाभ हुआ, उनका नाम हुआ, उनका नाम देवताओं की लिस्ट में आ गया। इस प्रकार से हमें अपने काम को, एक्टिविटी को करना है, वो बताता है इंद्र जय। जैसे एक टीवी मैकेनिक है, मैकेनिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई जटिल कार्य को अगर वो कर लेता है चुटकियों में, तो उसका इंद्र जय अच्छा है, हम ऐसा कह सकते हैं। आपकी भाषा अच्छी है लेकिन समय पर वो काम आनी चाहिए, स्किल इतनी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को आप समझा पाए, तो वो आपकी स्किल मानी जाएगी। स्किल अगर आप सामने वाले को समझा देते हैं तो वो इंद्रजय हो गया, और जो आपकी स्किल है वो इंद्र है। इन दोनों में इतना सा बारीक लाइन का फर्क है। नॉलेज है हमारी, ज्ञान है। इंद्रजय क्या है, ज्ञान और नॉलेज को कैसे प्रयोग में लाना है, बस इसका ये कारण काम है। अंधकार को मिटाता है इंद्रजय, इंद्रजय अंधकार को मिटाता है, संयमी होता है, संयम में रहकर काम करता है, ये इंद्रजय का कार्य है। सही दिशा में लेके जाएगा इंद्रजय, यह भी उसका कार्य है। उसको कार्य कैसे करना है या कैसे करवाना है, यह भी इंद्रजय का कार्य है। इंद्रजय का काम क्या है, करना कैसे है या करवाना कैसे है, यह उसका कार्य है। और पॉजिटिव ऊर्जा से हल करता है तो इंद्रजय अच्छा माना जाएगा उस क्षेत्र का। अगर नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई उनमें कमियां आएंगी, उसका विश्वास कम हो जाएगा। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। टैलेंट है, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा कल्प वृक्ष है, उससे हमें लाभ कैसे लेना है, ये इंद्रजय का कार्य है। और टैलेंट जो है वो इंद्र का काम, इंद्र है। और कल्प वृक्ष क्या है, इंद्र है, और उससे हमने फल कैसे लिया, अच्छा फल लिया तो इंद्रजय की वजह से लिया, ये सब चीजें इससे होती हैं। एक मोटिवेटर होता है, वो कैसे समझाता है, वो जो बोलता है उसको आता है, समझता है, उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन आप तक वो कैसे पहुंचा, यूट्यूब चैनल के जरिए से पहुंचा। तो आपने उसको कैसे समझा, YouTube चैनल से समझा, YouTube चैनल क्या हुआ, वो इंद्रजय हुआ, और जो मोटिवेटर था
वो इंद्र हुआ। इन दोनों में इतनी सूक्ष्मता की लकीर है जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं समझने में। इंद्र जय क्या है? नई संभावनाएं हैं। इंद्र जय क्या है? नई संभावनाएं हैं। नई संभावनाएं कहाँ होती है? जैसे हमारा एक सूती का ग्रह होता है, लेबर रूम होता है, जहाँ नया बच्चा आने वाला होता है। अगर हमारा हॉस्पिटल में इंद्र जय वाली जगह पर पोजीशन पर सूती का ग्रह है या वहाँ पर लेबर रूम है, तो उससे हमारी नई संभावनाएं अच्छी होंगी। उससे हम जो लाभ लेंगे वो इंद्र जय की वजह से लेंगे। और वही सूती का ग्रह हमारा इंद्र की तरफ है तो वहाँ पर हमें ज्ञान सारा है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इंद्र और इंद्र जय में थोड़ा सा यही फर्क है कि इंद्र जय कार्य करवाता है, इंद्र के पास टैलेंट है और इंद्र जय उस कार्य को करवाता है। उसको प्रयोग में कैसे लेना है ये समझना हमें बहुत जरूरी है। इस पद की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है, ये घर के अंदर भी अच्छे कार्यों को करने के लिए देखा जाता है, ऑफिस में भी देखा जाता है, फैक्ट्री में भी देखा जाता है, किसी मॉल में भी देखा जाता है, शोरूम में भी देखा जाता है। इन सब चीज़ों का विरोधाभास हो जाता है, कई बार हम उस कार्य को कर नहीं पाते। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र जय वाली जो पोजीशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसका जो भी हथियार है, हथियार से मतलब यहाँ कोई गन से नहीं है, तलवार से नहीं है, हथियार से मैंने जैसा आपको बताया, उसका हथियार पेन भी हो सकता है, उसकी नॉलेज भी हो सकती है। वो आपको हाउ टू एक्सप्रेस, आपके दिमाग में कैसे डालता है, अगर उसने वो सफल हो गया आपके दिमाग में डालने में तो वो इंद्र जय है, और अगर नहीं सफल हुआ तो फिर वो वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है। उस नेगेटिव ऊर्जा के लिए हमें वहाँ पर हमें पाठ पूजा करनी चाहिए। इंद्र जो हमारा तभी ठीक कर सकता है कार्य को। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी जरूरी हो जाती हैं। आज हमने बात की इंद्र जय के बारे में, और अगले वीडियो में बात करेंगे रुद्र के बारे में, जो कि हमारा 39 नंबर का पद होगा। और ये जो जिस पद की अभी हमने इंद्र जय की बात की, ये था 38। इसके बाद 39 रुद्र की बात करेंगे और 39 के बाद राजक्षमा की बात करेंगे 40वें पद की। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।